सो है गाइज सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल सो गाइज़ यार सबसे पहले भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और वीडियो पर कमेंट भी जरूर किया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ठीक है भाई सो so, भाई हो आप में से बहुत सारे लोग टाइटल और थंबनेल देख के आए हैं मुझे पता है तो भाई आपको पता ही है जैसा कि बहुत सारे लोगों ने गिव अवे चला रखे हैं ना इंस्टाग्राम पर जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ भाई कोई कहता है कि भाई लाइक इतने लाइक होने चाहिए कोई कहता है जीरो लाइक वाला है ना तो भाई मैंने भी कुछ सोचा है आप लोगों के लिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैं अगले महीने दुबई जा रहा हूं कोई दो तीन दिन के लिए कुछ इमरजेंसी काम आ गया है एमरजेंसी तो नहीं कह सकते लेकिन मेरा पर्सनल काम है तो मैं दो तीन दिन के लिए दुबई जा रहा हूं तो भाई मैंने कल रात सोचे सोते सोते एक प्लान सोचा है आप लोगों के लिए कि भाई मैं दो तीन दिन के लिए जा रहा हूँ तो क्यों ना मैं आप में से किसी एक भाई को साथ में लेके जाऊँ और देखो भाई आज आप लोगों की बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ है ना आप लोग इतना भरोसा करते हो और मैं भी आपके भरोसे पर खरा उतरता हूँ देखो अपने आज भी ऑस्ट्रेलिया के तीन वीजे आए हैं इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो ऑस्ट्रेलिया पे आएगा हमारे ऑस्ट्रेलिया के टोटल भाई हम लोगों ने नौ वीजे डाले थे जिसमें से भाई छः रिफ्यूजल हैं और तीन वीजे आए हैं देखो भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है है ना ये तीन वीजे जो आए हैं इसके बारे में ज़रूर चर्चा होगी अगले वीडियो में और जो रिफ्यूजल आए हैं वो भी उस पर भी चर्चा होगी ठीक है तो आज का ये टॉपिक है कि भाई मैं आप लोगों में से किसी एक भाई को लेके जाऊंगा दुबई ठीक है लेकिन भाई इसके लिए आपको करना क्या है? मैं आपको बता देता हूँ देखो भाई आपको पता है दुबई जाने में एक मिनिमम हम खर्चा मान के चलें फोर्टी फाइव थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड है ना पैंतालीस हजार से पचास हज़ार और अगर थोड़ा घटिया होटल में रुकेंगे या क्या बोलते हैं कि हर चीज़ में चीपेस्ट करेंगे तो चालीस या पैंतालीस हजार में हो जाएगा लेकिन भाई हम लोग आपको पता बता दूं कि अच्छे होटल में रुकेंगे ऐसी बात नहीं है क्योंकि दो चार हजार से क्या ही फर्क पड़ जाना है ना तो भाई देखो मैंने आप लोगों के लिए भाई एक बहुत बढ़िया प्लान सोचा है मैं आप में से किसी एक भाई को लेके जाऊंगा दुबई ठीक है ट्रिप रहेगा या तो चार नाइट का या फोर या फाइव नाइट का फोर से फाइव नाइट का ट्रिप रहेगा वैसे मुझे काम तो एक दिन का ही है मेरी पहले स्कीम थी कि मैं एक दिन में जाऊंगा अगले दिन वापस आ जाऊंगा लेकिन मैंने ये सोचा रात को कि यार चलो जा तो रहे हैं भी दो तीन दिन रुक जाएंगे ना क्या ही हो जाएगा तो भाई अब मैं आपको बता दू आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दू भाई पहले आप लोग पूरा वीडियो देख लेना कुछ लोग ना थोड़ी सी बात सुनते ही वीडियो छोड़ देते हैं किसी भी चीज को ऐसे जज मत किया करो आप लोग पूरा वीडियो देख लेना ना उसके बाद जो आपका ओपिनियन हो मुझे पता है कमेंट अच्छे भी आते हैं नेगेटिव आएंगे लेकिन उससे भाई देखो आपके सारे कमेंट मेरे सार मत्थे पर ना तो भाई ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये है अपना बाउल जिसमें हम लोग आपकी पर्चियां डालेंगे अब आपको करना क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये अपना एक क्यू कोड है फोन पे का और ये क्यू कोड है गूगल पे का ठीक है मैंने आप लोगों के लिए एक सौ निन्यानवे रुपये इंग्लिश में बोले तो वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ फ़ीस रखी है अब ये वन नाइन्टी नाइन फ़ीस क्यों रखी है रखने को मैं दो सौ भी रख सकता था लेकिन दो सौ रुपये मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं पहले ही जो कोई भाई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं दो सौ रुपया लेता हूँ तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है इसलिए मैंने वन नाइन्टी नाइन ओनली एक सौ निन्यानवे रुपये फ़ीस रखी है जिस भाई ने भी मेरे इस वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मैं आपको बता दूं मैं किस दिन ये चीज़ अनाउंस करूंगा मैं आपको बता दूं लगभग एक महीने बाद हम लोग ये चीज़ आप लोगों के सामने आएंगे और किसी एक पर्ची का पर्ची निकालेंगे हम मैं आपको बता दूं पर्ची हम लोग डालेंगे कैसे ये क्यू आर कोड है इस पर आपको वन नाइनटी नाइन नाएं रुपीज़ फ़ोनपे करके गूगल पे करके ये वाला जो व्हाट्सअप नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर हमारे ही एक बंदे का है लेकिन वो इस वक्त यूके में है ठीक है आपने इस नंबर पर स्क्रीन डालना है मैं आपको बता दूँ ये वाले नंबर पर आपने स्क्रीन शॉट कोड स्कैन करके आपको दो सौ डालकर आपको ये व्हाट्सअप नंबर पर ऐसे नाम लिखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा माय नेम इज रमेश कुमार या आपने सीधा लिख देना है एक सौ निन्यानवे का स्क्रीन शॉट डालना है रमेश कुमार नीचे आपका पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट नंबर इसलिए क्योंकि एक ही नाम के दो तीन बंदे हो सकते हैं अब आपको करना क्या है हम क्या करेंगे जैसे ही आपका स्क्रीन शॉट आएगा हम क्या करेंगे जैसे ही आप लोगों का स्क्रीन शॉट आएगा तो हम क्या करेंगे भाई ऐसे एक पर्ची पर आपका नाम डालेंगे तो भाई जैसे मान लो रमेश कुमार ने हमें दो सौ रुपये डाले तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे रमेश कुमार और पासपोर्ट नंबर लिख देंगे जो भी है एक्स वाई जेड ठीक है ऐसा नाम लिखेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे भाई इसको फोल्ड करेंगे और इसके अंदर हम लोग इसको डाल देंगे ये लीजिए भाई ये आपकी दुबई की टिकट इसके अंदर चली गई ठीक है भाइयों और एक चीज़ मैं बता दूं भाई अब देखो भाई दुबई में जाने का खर्चा मैंने आपको बता दिया फोर्टी फाइव से फिफ्टी थाउजेंट आता है तो अब अगर पचास हज़ार रुपये नहीं पूरे हुए तो हम लोग क्या करेंगे मैं जितने भी रुपए कम पड़ेंगे वो अपनी जेब से डालूंगा और अगर बाई चांस अगर रुपये ज़्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे एक बंदे को और ऐड कर लेंगे ठीक है भाई देखो भाई ये चीज़ का ट्रस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो मैं इसमें अब अब ज़्यादा कुछ अपने सफाई नहीं दे सकता आप लोग एक बंदे को जज कर सकते हो कि भाई वो सामने वाला जो बंदा बैठा देखो मैं तो पहले जो काम कर रहा हूँ आपको पता ही है मेरी वीज़ा की फ़ीस भी बिल्कुल नॉर्मल है है ना मेरी पाँच हज़ार रुपये से लेकर दस हज़ार रुपये फीस है सिर्फ दो वीज़ों की मेरी दस हज़ार है बाकी कोई भी कंट्री का वीज़ा करो मेरी पाँच हज़ार रुपये फीस है ठीक है शैनगन के सारे वीजों की मैं पाँच हज़ार रुपये लेता हूँ आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया की पाँच जा रहे हैं न्यूजीलैंड की पाँच जा रहे हैं सिर्फ अमेरिका और कैनेडा की आपको पता है डी एस वन सिक्सटी फॉर्म जो फिल करना पड़ता है उसमें बार बार डेट उठा के देनी पड़ती है ना बंदे को और वो और एक कैनेडा इसमें मैं टेन थाउजेंड चार्ज करता हूँ तो मैं तो फीस भी ज़्यादा नहीं रखता तो भाई अब आप, आप लोगों पर है ट्रस्ट करना है आपकी मर्जी है भाई देखो जो भी रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा और ये फोर नाइट और फाइव नाइट का ट्रिप हो सकता है इससे कम नहीं होगा लेकिन ऊपर ज़्यादा भलाई हो जाएगी ना तो ठीक है भाई सारा खर्चा हम उठाएंगे तो भाई आपको कर और हाँ आगे आने वाले कुछ दिनों में मतलब मैं पांच लोगों के फ्री में वीज़े डालूंगा उस पर भी एक बहुत तकड़ा वीडियो आने वाला है पिछली बार जब हमने गिव अवे निकाला था पांच बंदों का मैंने फ्री में वीज़ा डाला था उनसे एक रुपया भी नहीं लिया था उस वक्त कुछ दिक्कत आई थी जब मैं लोगों के नाम अनाउंस कर रहा था आपको पता होगा मैंने लाइव आकर लोगों का नाम अनाउंस किया था लेकिन उसमें मुझे भी लगा यार कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीज़ सही नहीं हुई क्योंकि जब मैं कमेंट पिक करता था जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछला वीडियो आपने देखा होगा सेंसेक्स बेस पे हम लोगों ने नंबर निकाले थे तो कई बार क्या होता था कि कई कई बंदों ने बोला कि आपने कमेंट ऊपर से काउंट किए हैं आपको नीचे से काउंट करने चाहिए तो इस बार अगर हम लोग पाँच लोगों के फिर से फ्री में वीज़ा डालेंगे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है और आएगा बिल्कुल ऐसा ही कुछ जिसमें हम लोग कुछ अमाउंट रखेंगे जैसे दस रुपये भी रख सकते हैं सौ रुपये भी रख सकते हैं देखो भाई सौ रुपये में अब किसी का हम पाँच बंदों का वीजा डालेंगे देखेंगे सौ रुपये रखें दस रुपये रखें या हो सकता है कि एक रुपये रखें हम लोग कुछ तो कुछ करेंगे ठीक है भाई हो? तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आज का वीडियो यही है इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो ऑस्ट्रेलिया पे आएगा आप लोग देख लेना और इस पर आप लोग अपने ओपिनियन जरूर देना भाई कि आपको कैसा लगा ये वीडियो अगर मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा ठीक है भाइयों क्योंकि भाई देखो मैंने ये रात को सोते सोते सोचा है और अब यहाँ पर मुझे पता है कुछ भाई कमेंट करेंगे कि मैं बिल्कुल अपने पैसों पे क्यों नहीं लेके जाता तो देखो भाई मैं अभी देखो अभी जित जस्ट मैं आपको पता है साल हुआ है मुझे और अभी मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ कि जितना मैं लोगों को फ्री में लेके जाऊँ हाँ अगर बात वीज़ा डालने की है तो भाई हम लोग क्या करते हैं कि आज किसी का वीज़ा डाल दिया फिर पाँच सात दिन बाद रुक के जब पाँच दस हज़ार रुप, रुपये आ जाते हैं तो हम किसी और का वीज़ा डाल देते हैं इसमें अब आपको पता है कि पचास हजार रुपये एक बार में लगेगा तो भाई अब अभी मैं लगा भी सकता हूँ लेकिन भाई उतना मैं अभी कैटेगरी पर नहीं हूँ उतना अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ कि पचास लगा सकूँ हाँ अगर दस बीस हजार की बात आई तो मैं अपने पास से लगा सकता हूँ ठीक है भाई ओ, अगर तो बंदे पूरे हो गए तो ठीक है भाई अगर बंदे कम रहे और अगर दस पंद्रह बीस हजार भी कम रहा तो मैं अपने पास से पैसा डालूंगा लेकिन बिल्कुल ही रिस्पॉन्स कम आया तो भाई हम लोग ये वीडियो डिलीट कर देंगे क्योंकि भाई आप पे ही है कि जनता जनार्दन है अगर वो लोग कहेंगे तो ठीक है अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे ठीक है भाइयों तो भाई ठीक है मिलेंगे आपको नई वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम